दिनांक 4 अगस्त 2024 के रात्रि सुबह 3 बजे महेंद्र प्रसाद पिता गुरुशरण महतो साकिन सौदागर कोठी थाना फतुहा के घर पर गोलीबारी की सूचना होने के बाद कर्मियों द्वारा इनके घर पे गोलीबारी की गई है, जिसमें कि शटर में एक गोली का निशान था और एक जो दूर में एक कार लगी हुई थी गली में उस पर भी गोलीबारी। बिहार में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है जहां अपराधी बिहार के अलग अलग जिलों में घटना को अंजाम देते चले आ रहे हैं, ना ही उन्हें पुलिस प्रशासन का डर है, ना ही उन्हें कानून का डर है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनिल कुमार। राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है जहां पर अपराधियों ने दर्जनों राउंड गोली फायरिंग की है। बताया जाता है कि फतुहा थाना क्षेत्र के सौदागर कोठी के पास महेंद्र प्रसाद के मकान पर अपराधियों ने गोली चलाई है, वहीं उनके घर पर चढ़कर कई राउंड गोली फायरिंग की, जहां पर उनके घर के शटर और उनकी कार में गोली जो है लगी है। बताया जाता है कि अपराधी जो है सुबह सुबह यानी आज सुबह जो कहते हैं कि 3 बजे सुबह कई लोग मतलब जो है ज़्यादातर लोग सोए रहते हैं, वहीं अपराधी उस टाइम आकर महेंद्र सिंह के घर पर महेंद्र प्रसाद के घर पर चढ़कर गोलीबारी करते हैं और वहां से चिल्लाकर ये कहते हैं कि हमारा करोड़ों का नुकसान तुमने किया है और फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि इसकी सूचना महेंद्र प्रसाद ने स्थानीय थाना को देते हैं, वहीं पुलिस प्रशासन पहुंचती है और मामले की छानबीन करती है। इसकी सूचना DSP को भी दी जाती है, वहीं DSP निखिल कुमार जो है निखिल सिंह पहुँच कर जो है सुबह सुबह मामले की छानबीन करने में जुट गए। बताया जाता है कि वहाँ से जिस तरह से फायरिंग की गई है तो कार के जो शीशे हैं जो चकनाचूर हो चुके हैं, पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर किस तरह से कार के जो शीशे हैं चूर हो गए हैं, शटर पर जो गोलियां लगी हैं। वहीं पटना सिटी DSP ने बताया है कि जो गोलियां चली हैं वो जो है कि जमीन के विवाद को लेकर चला है। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि मौके वारदात पर कई खोखे भी बरामद किए गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पटना सिटी फतुहा DSP, हम उनके बयानों के साथ छोड़े जा रहे हैं। दिनांक 4 अगस्त 2024 के रात्रि सुबह 3 बजे महेंद्र प्रसाद पिता गुरुशरण महतो साकिन सौदागर कोठी थाना फतुहा के घर पर गोलीबारी की सूचना होने के सूचना पर फतुहा थाना की पुलिस वहां पहुंची, फिर मैं भी वहां घटनास्थल पर पहुंचा तो इनके द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि लगभग 2:45 बजे रात्रि में कुछ अपराध कर्मियों द्वारा इनके घर पे गोलीबारी की गई है, जिसमें कि शटर में एक गोली का निशान था और एक जो दूर में एक कार लगी हुई थी गली में उस पर भी गोलीबारी का चिन्ह पाया गया। इस संबंध में इनके द्वारा मौखिक रूप से एक दो व्यक्ति का नाम बताया गया है, अभी लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, लिखित आवेदन प्राप्त होने पर घटनास्थल से कुछ खोखा वगैरह प्राप्त हुआ है? हाँ, घटनास्थल से कुछ 6 खोखा बरामद हुए। और कितने राउंड फायरिंग की बात सामने आ रही है? उनके द्वारा बताया गया कि 8-9 राउंड फायर हुआ है। और विवाद का कोई कारण सामने आया? विवाद का कारण जो अभी तक वो मौखिक रूप से बताया है कि एक जमीन की नापी कल हुई थी और साथ ही जो फायर करने वाले थे वो चिल्ला के बोल रहे थे कि मुझे 2 करोड़ रुपए का घाटा तुम्हारे चलते हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग जमीन के खरीद बिक्री के कारोबार में शामिल थे, इन्हीं के कोई ग्रुप के सहयोगी बने होंगे। अभी इनके द्वारा एक व्यक्ति का नाम बताया गया, लेकिन लिखित आवेदन देने के बाद ही हम लोग निश्चित रूप से बताएंगे।